ओ भाई चिपका दी भाई, चिपका दी पूरी चिपका। तो भाई अपनी दोनों गाड़ी रेडी, एंडेवर फॉर्च्यूनर थी, रात को 10-11 बजे निकले लोनावला के लिए। ये क्या हो गया भाई? बेबी ऑन बोर्ड है, अंधेरा कायम रहे। भगवान हमारे पे मेहरबान कदरदान है, उन्होंने बोला भाई तुम्हारे। तो ये देखो हमारी पर्सनल बोट है, सुबह 5 बंदे ना। देखो क्या चील है। सुबह के 11:05 है, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नींद नहीं खुली, उनका कॉल भी आया था 10 बजे कि ब्रेकफास्ट करना, तो बुफे 10:30 बजे तक है। अभी मैंने उनको कॉल किया कि भाई मैं दोबारा सो गया था तो क्या सीन। उन्होंने बोला खाली फ्रूट्स पड़े हुए हैं, वो आप आके खा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। तो जा रहा हूँ खाने के लिए। साहिबा को कॉल किया, वो कह रही भाई मेरे को तुम्हारी नींद, मैं तो नहीं उठ रही ना, मेरे को भूख है। तो मेरे को हल्की फुल्की भूख है, जाता हूँ खाता हूँ, उसके बाद पैकिंग वैकिंग करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। सीन क्या है बाद में बताऊंगा। ये देखो ऊपर से दिख रहा है सब खाली हो चुका, सिर्फ वहां फ्रूट्स पड़े हैं। तुम्हारा भाई बाग बाग के आया और बाजी मार ली, इडली सांबर कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट्स, इतना ही खाना होता अपने को। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारे भाई कैसे हो, ठीक हो? हमारे भाई हर जगह है, अपने सब्सक्राइबर ही थे नीचे, मैंने साहिबा का रूम नंबर बता दिया, मतलब थोड़े से फ्रूट्स वहाँ भिजवा सकते हो क्या, मतलब यहाँ से हम लेकर जा सकते हैं? कह रहे हैं आप लेकर जा सकते हो, लेकिन नीचे सारा का सारा उठ गया था ही नहीं वहाँ पर, नहीं तो मैं ले आता। तो मैंने उनको बोल दिया साहिबा का रूम नंबर बता दिया, वहाँ फ्रूट्स पहुँच जाएंगे। कुछ ना खाने से बढ़िया कुछ हल्का फुल्का खा लो। तो भाई सीन ऐसा है, यहाँ पर नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, सुबह से अपलोड पे लगाया हुआ है, देखो 69% हुआ है, अभी भी 26 मिनट दिखा रहा है। और लैपटॉप की डिस्प्ले देखो भाई कितनी गंदी हो रही है, साइड से देख रहे हो मिट्टी मिट्टी से चिपकी हुई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फ्रूट्स आ गए थे रूम में, खा लिए थे? थैंक यू। सुबह मैंने इनका कॉल किया ना, मतलब वहाँ ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, मेरे को तुम्हारी तगड़ी नींद, मेरे को भूख नहीं है। जब मैं नीचे ब्रेकफास्ट कर रहा ना, फोन आया, अरे यार मुझे भी खाना था। मतलब भाई सब कुछ उठा दिया, अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या सीन क्या है ना, पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी, एकदम नहा धोके रेडी हो चुके, हमारा चेकआउट है, एक बज चुका है, 12:30 तक लास्ट टाइम होता है चेकआउट करने का। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, वीडियो अपलोड होते ही निकल जाऊंगा। तो दिन की शुरुआत अपने डायलॉग के साथ करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, सत श्रीकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारे प्यार और छोटों को हेलो। धोख कहते आप समय इतना बड़ी होंगे, बढ़िया रहना, और हेलो बोलना होता, खाली ऐसे नहीं करना होता, मुंह भगवान ने भी छोटो को हेलो उस टाइम पे बोलना होता है, एकदम से बीच में नहीं। चिल चिल चिल, तबीयत थोड़ी ना खराब थी, अभी ठीक हो चुकी है। आज का प्लान ऐसा है, पहले सत्या से बात हुई, सलीम से बात हुई, पूनम का है बर्थडे, तो वो लोग सोच रहे हैं इसको सरप्राइज देते हैं, रात को उसको घर से उठाएंगे और बोलेंगे हम जा रहे हैं लोनावला पार्टी करने के लिए। तो ऐसा कुछ प्लान हो रहा है, अभी प्लान फाइनल नहीं है। वैसे मेरे को आज की टिकट करानी थी निकलने की, आज का मेरा यहाँ से चेकआउट है, तो अभी मैं यहाँ से बाहर तो निकल रहा हूँ। वीडियो 90% अपलोड हो चुके, 10% और आज का व्लॉग थोड़ा लेट आया। लो भाई अपनी वीडियो 95% होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ना, अपने दिल को खुशी मिल रही है, वीडियो अपलोड हो जाएगी टाइम से तो नहीं, टाइम ऑलरेडी 1:30 बज चुका है। सबसे बढ़िया चीज़ वीडियो अपलोड हो गई और हमारी गाड़ी भी आ गई। तो पहले थोड़ी आवाज़ कम करते हैं, और अभी हम लोग निकल गए हैं, और अभी हमें ये नहीं पता जाना कहाँ है। भाई हम पहुंच के पेट्रोल पंप कराएंगे, यहाँ पर टैंक फुल, हमारा एक तगड़ा प्लान बन गया। पहले टैंक फुल करवाते हैं, उसके बाद आपको प्लान बताते हैं। वैसे तो हाफ टैंक इसके अंदर पेट्रोल है। डीजल हमने अपनी गाड़ी में भरवा लिया है। पहले हमारा प्लान था कि रात को 10-11 बजे निकलेंगे लोनावला के लिए, क्योंकि बर्थडे कल है तो आराम से कल सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अभी हमने प्लान चेंज कर दिया है। 4:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि 3-3.5 घंटे का रास्ता है, रास्ते में रुकेंगे, चाय वे पियेंगे, मतलब अच्छे से एंजॉय करते हो जाएंगे, फिर रात को पार्टी करेंगे, कल वापसी आ जाएंगे। तो ये फाइनल प्लान है। तो अभी अपने को लोकल कुछ खाना है, यहाँ पर वड़ा पाव, चाय, कुछ ऐसा मिल जाए ना जिसमें मजा आ जाए, जिसमें मुंबई वाला स्वाद आ जाए। क्या अब यूटर्न दिखा रहा है? और क्या, यूटर्न लेके फिर ऐसे आके ही है, पहले ही हम मुड़ जाते। कितनी दूर है यूटर्न? बड़ा लंबा यूटर्न है। तो मैंने सत्या का फोन किया, मतलब भाई बढ़िया वड़ा पाव कहाँ मिलेगा? उसने बोला भाई विले पार्ले चले जाओ, मुझे नहीं पता कौन सी जगह, मैंने नाम भी पहली बार सुना है। वड़ा पाव खाऊंगा, लोनावला जाऊंगा, मौज उड़ाऊंगा, वापसी आऊंगा, फ्लाइट लेके घर चला जाऊंगा। यार मेरे को रैपर बनना चाहिए यार, बन जाऊंगा। क्या सही लग रहा ना प्लेन। और अभी हम अपने होटल के आसपास ही घूम रहे हैं, प्लान में फिर से चेंज है। हम कहाँ जा रहे हैं अब? कॉलेज। भाई मैं तो यार पहली बार आऊं, आई थिंक ये कॉलेज होगा, बड़ी सी बिल्डिंग जो दिख रही है ना, मे बी। क्या ये कॉलेज नहीं है? नहीं। ओ फिर कहाँ है कॉलेज? तो नजर नहीं आ रहा, अभी हमने पीछे किसी से पूछा, इस रेड लाइट से राइट मुड़ के वहीं पर है कोई वड़ा पाव वाला। कहाँ है कॉलेज? कॉलेज तो ये है। ये कॉलेज है? हाँ। ये व्हाइट बिल्डिंग? हाँ। सॉरी मैं इसको कह रहा था ये कॉलेज है भाई। वो देखो शायद यू शेड सा लगा हुआ ना, तगड़ी भीड़ है, यही है वड़ा पाव वाला। चाय भी मिलती है भाई, कब टंग रहे हैं यहाँ पे, कितने सारे हैं
अरे गाड़ी का लगाऊं, वो तो ठीक है, बहुत सारे हैं। तो वहाँ तो पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, रोड किस तरफ आ गया वो साहिबा को मैंने भेजा है, पैदल पैदल जाओ लेकर आओ। और गाड़ी यहाँ खड़ी करी हुई है, बाय चांस कोई सीटी वीटी मारता ना तो मैं गाड़ी भी हटा दूंगा, एक बंदा गाड़ी में रहना जरूरी है। अरे वड़ा पाव बोला था, डोसा ले आई क्या? नहीं, क्या आई? वड़ा पाव लेके आई और एक सैंडविच लेके आई। बहुत पुराना कॉलेज है वो भाई, देखने में भाई सुंदर लग रहा है ये तो। उसके बाद सैंडविच थोड़ा और ग्रिल हो जाने दो, प्लेट लो मुलायम, प्लेट लो मुलायम भाई, अच्छे है उसमें। प्लेट क्या करनी है, मैंने खा जाना ऐसे ही। तो भाई ये वाला पेड़ देख रहे हो जो केला खड़ा है, इतना तन्हा तन्हा है। सत्या ने हमें बोला था इसी पेड़ के पास मिलेगा, लेकिन सत्या तो है नहीं, पेड़ यहीं का यहीं है, अब कहाँ ढूंढे उसको। वो देखो भाई आ गया, ओ गड्डी लेके। कैसा है वीरे? भाई वड़े पाव का मजा आ गया, एक नंबर टेस्टी है ना। चले आगे, चलो इधर से राइट निकलते, तगड़ा जाम मिल गया। और इसको देखो ये क्या हो गया भाई, बेबी ऑन बोर्ड है, अंधेरा कायम रहे। ये ऐसे बांध के क्यों बैठ गई हो? बेबी ऑन बोर्ड है। अच्छा झटका ना लगे। हाँ। एक तो इतना धीरे गाड़ी चला रहा हूँ, ऊपर से जाम लगा, गाड़ी चल ही नहीं रही है भाई, पूरी बेल्टे शल्टे पहन के बैठ गई है। ब्रेक वाली प्रभजोत, एक्चुअली हुआ क्या था ना, आगे होके ना पता नहीं चॉकलेट देर थी क्या हो रही थी, एकदम से कोई आया नहीं, ब्रेक नहीं मारी भाई, खाली रोड आई, मैंने हल्की सी रेस करी है, पीछे रोल होते जाकर टक्कर लगी। टन ऐसा मारूंगी, ऐसा मारूंगी, कैमरा ऑन नहीं था, इसका दूसरा रूप सामने आ गया था, वो बच गया। कभी दोबारा आएगा ना तो रिकॉर्ड करूंगा, दिखाऊंगा आपको। आप हंस हंस के मैं कह रहा हूँ बेड से ना गिर गए ना भाई। लड़ाई हो गई सामने, तगड़ी गाड़ी ठोक दी ना। मुंबई में लड़ाई होती होती अभी तक तो, दिल्ली में होती, तो दिल्ली में हुई होती तो अभी तक तो चाटे बज रहे होते हैं। जानता नहीं मेरा बाप को ना, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर बात हो रही है। कितनी ठोकी भाई, चेक करते हैं। ओ भाई चिपका दी, भाई चिपका दी, पूरी चिपका। तो वो सामने सत्ता गया चाय लेने के लिए, हम लोग वेट कर रहे सलीम का। यहीं से प्रॉपर हाईवे शुरू हो जाता है, सलीम हमें यहीं मिलेगा, फिर यहाँ से साथ में आगे निकलेगा। और मौसम भी तगड़ा हो गया मेरे ख्याल से, बारिश होगी शायद। चीयर्स। तो भाई अपनी दोनों गाड़ी रेडी, एंडेवर फॉर्च्यूनर, और भाई भी रेडी। बूम, चले भाई निकले। और यहाँ पर ना शोर बहुत है रोड पे, तो आगे जाके व्लॉग बनाएंगे। चलो चलो, ये देखो सामने बोर्ड पे लिखा है वाशी, पनवेल, वडाला, ये सारे नाम ना मूवियों में सुनते थे। मूवी में आज हम यहाँ घूमते हैं। हाँ, डायलॉग्स में, गानों में बहुत सुना, और आज हम यहाँ घूम रहे हैं। अरे अरे अरे, कैसे हो? फाइनली फाइनली टायर पंचर हो ही गया फाइनली। तो वो देखो सामने सुंदर सुंदर पहाड़, और अभी हमारा थोड़ा प्लान में फिर से चेंज हो रहा है। लोनावला की जगह क्या कह रहा है, मुलची, मुलची नहीं, मुल, तू अब जब तक बताएगा तब तक मैं तीन प्लान और बता चुका हूँ। कुछ तो बता, जो फाइनल बताते नहीं, जगह का नाम क्या था? पहले मुलची आया, अभी दूसरी लोकेशन आई है करजत की, निकले थे लोनावला सोच के। ठीक है, फाइनल में ये कहना चाहूंगा, जो फाइनल होगी ना वो बताऊंगा, फाइनल तो लेकिन लोनावला ही फाइनल जो होगी, वो टाइटल होगी। लास्ट जब मैंने इस रोड से ट्रेवल किया था ना, तब मैं फॉर्च्यूनर में था, आज एंडेवर में हूँ, तब मैं पापा के साथ आया था यहाँ पर। और पहले लोनावला गए थे, फिर वहां से महाबलेश्वर गए थे। गोवा से भी यही रोड आती है क्या? फिर हम गोवा से ये वाली रोड से नहीं आए थे, लेकिन एक अंदर वाला रास्ता भी आता ना घाटी होते हुए, हम वहां से आए थे। लेकिन मेरे को याद है महाबलेश्वर इसी रास्ते से गए थे, बहुत ही खूबसूरत रास्ता, बहुत ही बढ़िया। और आसपास की वादियाँ एक नंबर है, बस ये सामने वाला जो शीशा है ना हमारी गाड़ी का, वो थोड़ा गंदा हो रहा है, और इसके वाइपर में पानी नहीं है, नहीं तो मार के साफ कर देते, लेकिन ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, मजा आ रहा है। आप तो सूप फेंकते थे, देखो साफ करो। अरे थूक फेंक के भाई, फेंकी जरा थूक, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा साफ हो जाएगा, ज्यादा साफ हो जाएगा भाई। इसको लटका कैसे भाई, पर बनाएगा। मैं यहाँ से हाथ पकड़ूंगा, तू वहां से टांग पड़ी हो, ऐसे खींचेंगे।
भगवान हमारे पे मेहरबान कदरदान है, उन्होंने बोला भाई तुम्हारी गाड़ी में पानी नहीं है, ये लो मैं गिराता हूँ ऊपर से पानी। हम हमारे को थूक गिराने की जरूरत नहीं, अपनी किस्मत लेके चल रहे हो साथ। हाँ किस्मत यहाँ बैठी है ड्राइविंग सीट पे, जैसे ही मैंने बोला पानी नहीं है और पानी, ए भगवान यार कितना खुश करोगे यार, मतलब अरे मैं थोर हूँ मेरे साथ थोर, अच्छे थोर है। थोर तो बोलते हैं हाँ। अरे पंजाबी थोर होते हैं, अंग्रेजी थोर होते हैं, साड़ी पावर है बिजली देवता है पंजाबी, थोर ही बोलते हैं। हाँ, हाँ। क्यों बोलते हैं थोर हो गए, हुण आपा पंजाबी च गल करांगे, तेनू भी आंदी पंजाबी, एनू भी आंदी, तेनू भी आंदी, हुण ए ब्लॉग बनेगा तो पंजाबी च, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा यार, फिर फिर तो नहीं बन पाएगा, जो आप कह रहे थे पंजाबी च व्लॉग बनावांगे, लग गए दस नहीं सकते क्योंकि गलत आ गए, पता नहीं केड़े अंदर रस्ते लैके जा रहे हैं, उधर दिखा रहे थे 30 मिनट 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगे आ गए फिर दिखा रहे 30 मिनट, वो भी सही टाइम से खोल लिया तो फिर यूटर्न लेके सनवे इधर ले आया, लेकिन देख देख झील कितनी प्यारी, उत्ते वाला शायद आई चांदा होए कि ये वाली झील देख दे जाओ वधिया लग रहे, वही नदी जी झील, ओ झील थोड़ी कह रहे हैं झील, देखो देखो वो क्या झील है यार, वधिया हो गया भाई, देखते ही देखते टाइम भी हो गया 7:25 तो भाई पहुंचते पहुंचते रात हो गई है, तो जितना व्यू पॉसिबल है उतना दिखाएंगे, स्विमिंग पूल भी हमारे पास भाई, सुबह अच्छी दिखेगी, सुबह बढ़िया दिखेगा ना, ड्रोन लाया कोई ड्रोन सर, हेलीकॉप्टर इसको उड़ाएंगे और बर्थडे गर्ल कहां गई, बर्थडे गर्ल आई थिंक रूम की चाबी वाबी लेने गई है, और ये आई थिंक ये हमारे रूम है और सामने का भी बहुत बढ़िया, जो कि सुबह दिखाएंगे भाई सुबह, अच्छा सिंपल सोबर बढ़िया, जैसे जैसे हम यहाँ घूम रहे हैं ना, अच्छी लोकेशन है, सामने बोटिंग भी है, लेकिन एक दुख हो रहा है हम ड्रोन नहीं लेकर आए कोई भी ना, ड्रोन उड़ाते दिन में और आपको बढ़िया पता लगता कहाँ आए हैं हम जंगल के बीच में, तो ये देखो हमारी पर्सनल बोट है, सुबह पाँचों बंदे ना, देखो 1 2 3 4 5 बोट है, पाँचों बंदे जाएंगे आगे तक घूमने, अभी तो नज़र नहीं आ रहा, ये देखो नेट भी लगाया हुआ है यहाँ, देखो क्या मछली फंसी है क्या, ए मत करो उनका सब डिस्टर्ब होता है, अरे मछली देख रहा हूँ, 4 मछली फंसी है, 5वीं जब फंस जाएगी ना तब खाने बैठेंगे, सबके लिए एक एक, सबके लिए पर्सनल मछली होनी चाहिए। टाइम 12:05 और मेरा फोन बज गया दोबारा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पुनिया हो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बढ़िया, बस बाहर का मौसम भी बहुत बढ़िया, हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ हमारा डिनर लग चुका है। हाँ, ये दूसरी बार लाया जा रहा है कैमरे के लिए।